तो हमें मानव मानव को एक समझना पड़ेगा, और एक समझने का अर्थ है आपको मनुस्मृति के आधार पर जो जाति की व्यवस्था थी उस जाति की व्यवस्था को भी नकारना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा, और अपने समाज को एक जातिविहीन बौद्ध समाज की आकृति में ढलना पड़ेगा। कौन कौन है आप में से जो जाति को तोड़ने का तैयार है? हाँ शाबाश, बहुत बहुत साधुवाद। एक कैमरा मैन उनको दिखा दो, उधर घुमा लो एक बार, आप देख लो इतने लोग हैं जो जाति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हाथ ऊपर करने में जितनी ताकत लगी, ताली बजाने में जितनी ताकत लगी, उससे कम ताकत में जाति खत्म हो सकती है, क्योंकि जाति को दीवार नहीं, जाति कोई ढांचा नहीं, जाति कोई आकृति नहीं, जाति कोई प्रकृति नहीं, जाति तो एक भाव है और आपने स्वीकार कर रखा है। अगर आज घोषणा करो, घर में जाकर के घोषणा करो, धम्म की दीक्षा लेकर के घोषणा करो, और घोषणा में अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करो, और दीक्षा लेने के बाद घोषणा करो कि मैं आज से बौद्ध बना हूं, मेरे सारे पर्व, मेरी सारी परंपराएं, मेरे सारे प्रतीक और मेरे आचरण सदाचरण धम्म के अनुसार होगा, मैं आज से किसी भी जाति व्यवस्था को नकार रहा हूं, मेरी कोई जाति नहीं होगी, मानव मानव एक समान बुद्ध के सिद्धांत पर मैं जीवन यापन करूंगा। प्रभु उपासक उपासिका, समय आ गया है। बाबा साहब को भी दुनिया से गए 67 वर्ष हो गए, हमने बाबा साहब की किसी बात को ठीक से नहीं स्वीकार किया। ठीक है आप लोग पढ़ करके आ गए, इसमें सीधा लोग था कि पढ़ाई के बाद नौकरियां सामने नजर आ रही थी, पढ़ाई की प्रयास किया, नौकरियों में आ गए, लेकिन जाति की बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए। तीसरी पीढ़ी आ गई है बाबा साहब के बाद, तीसरी पीढ़ी भी जाति की बीमारी से ग्रसित है। क्या हमारे मन में यह करुणा का भाव नहीं होना चाहिए, जब हम यहां आकर के एक आवाज के साथ कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब तक आप जाति का इस्तेमाल करोगे, जब तक आप जाति को साथ लेकर के चलोगे, विवाह शादी में जब तक जाति को ही स्वीकार करते रहोगे, तो जब तक मनुस्मृति एक बार नहीं हजार बार भी जल जाए तो भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमें अपमान जो मिलता है इस मानसिकता के कारण मिलता है। आज मनुस्मृति का कोई शासन नहीं है, लेकिन हम आज भी उसी स्मृति के द्वारा शासित हो रहे हैं। जब आप अपनी जाति की पैरवी करते हैं, जब आप अपनी जाति की बात करते हैं, जाति का महिमा मंडन करते हैं, जब आप अज्ञानता और अंधविश्वास में रह करके पूजा पाठ करते हैं, जब आप किसी के पास जाकर के नाम लेकर के ईश्वर का स्तुति गान करते हैं, जब आप उन्हीं परंपराओं में बैठ करके उन परंपराओं का प्रोत्साहन करते हैं, तो मान लेना आज भी मनुस्मृति के शासन के अधीन आपका मन चल रहा है, आपका मस्तिष्क चल रहा है। अगर उत्सव मनाना है तो मन को आजाद करो, मन को स्वतंत्र करो, अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटो, और ये बेड़ियां कोई लोहे की जंजीर में बंधी नहीं है, हमारे मन की भावनाओं में है। अगर इतना नहीं करेंगे तो आने वाली संतानें आप सभी को बुजदिल, कायर और डरपोक कहेंगी। वो कहेंगे कि हमारे पुरखे, सब कुछ उनके पास था, ज्ञान भी था, धन भी था, और दिल्ली जैसे महानगर में उनका घर भी था, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसे जगह पर उनके पास आलीशान मकान भी था, कपड़े भी अच्छे पहनते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, लेकिन मानसिकता में गुलाम थे। सोच लो, आने वाली पीढ़ियों को उत्साह देना चाहते हो तो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम शुरू करो। तालियां बजाने में कुछ लोग संकोच कर रहे हैं, मैंने तालियां बजाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था जब बात आजादी की आती है तो हम डरने लगते हैं, कभी ऐसा ना हो मैं आजादी की बात करूं मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, आपका पड़ोसी खुश हो जाए, आपको गुलाम देख करके लड्डू बांटने लगे, तो क्या गुलामी स्वीकार करोगे?
अभी हमारे एक वक्ता अमन बौद्ध जी ने कहा, महिलाएं गीत तो अच्छा गा रही हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रही हैं, लेकिन गुलामी के प्रतीक हाथ में पहन करके उत्सव मना रही हैं। हालांकि मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे बहाना मिल गया, सहारा मिल गया। एक और वक्ता दो होती तो हो सकता चुड़िया सारी निकल जाती। तो मुझे लगा कि कार्यक्रमों में महिला वक्ताओं की संख्या ज्यादा किया कर, क्योंकि हमारी बात तो मानी गई होती तो सबकी चुड़िया उतर जाती। चूड़ियों की बात तो बहुत दूर, पैर की बिछिया भी नहीं उतर रही, जो दिखती भी नहीं। मानसिक रूप से आजाद हुए बगैर उत्सव उत्सव नहीं होगा। और जो पुरुष मुस्कुरा रहे हैं, गुनाहगार तो आप ही हैं। आप प्रशंसा करते हैं चूड़ियां तो अच्छी लगती है, आप प्रशंसा करते हैं कि ये साड़ी अच्छी लगती है, और ये प्रशंसा का भाव ही महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप स्वतंत्रता की प्रशंसा करो। अगर कोई महिला बाल कटवा करके आए तो कहो कि आप बहुत सुंदर दिखती हो, आपके बड़े बाल अच्छे नहीं लगते थे, ये बाल अच्छे लगते हैं। कोई चूड़ी उतारे तो कहो कि चूड़ियां तो गुलामी का प्रतीक थी, अच्छी नहीं लगती थी, आज देखो बिना चूड़ी के आप अच्छी लग रही हो। और मैं उदाहरण दे सकता हूं, अमन जी एक बार आइए, मैं प्रशंसा के लिए नहीं बुला रहा, मैं हाथ दिखाने के लिए बुला रहा। कोई चूड़िया नहीं है, घड़ी है टाइम देखने के लिए, कोई मंगलसूत्र नहीं है। आइए जी, आप भी आइए, उपराजा इनको भी देख लो। ये सने लता जी आपके नोएडा से ही हैं। आजादी का भाव अलग होता है, गुलामी का भाव अलग होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस धम्म उत्सव को आजादी के उत्सव में बदलना चाहिए। और आज इनको भी देखिए, आपके नोएडा की रहने वाली है, चूड़ियां भी नहीं है, गुलामी के प्रतीक भी नहीं है, सफारी पहन करके स्वतंत्रता के भाव में आज इस उत्सव का हिस्सा बनी है। इनको देखिए कितनी महिलाएं हैं, एक नहीं यहां बहुत सारी महिलाएं हैं। बस मैं एक बात और कहकर के बात को विराम दूंगा। इसी भाव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक मैं सूचना आपको देना चाह रहा हूं। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब इसी दिल्ली से चलकर के आगरा में गए थे। अब दिल्ली से बाबा साहब कहां कहां गए, दिल्ली वालों को तो कुछ लेना नहीं, नोएडा वाले दिल्ली वालों के बड़े भाई छोटे भाई हैं, इनको भी कुछ लेना नहीं, लेकिन आगरा वालों ने तो जिम्मेदारी को समझा है। 18 मार्च को बाबा साहब के आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष वहां एक बहुत बड़ा धम्म कारवां होता है। पिछले वर्ष तो बुद्धा पीस मार्च भी हुआ था। प्रतिवर्ष हम उस कार्यक्रम को किसी न किसी उद्देश्य के लिए आयोजित करते हैं। एक बार हमने युवाओं के लिए किया, एक बार महिलाओं की आजादी के लिए किया, एक बार व्यापार को स्थापित करने के लिए किया, एक बार बाबा साहब का लिखा हुआ खुद उनके धम्म ग्रंथ को स्टील के पन्नों पर अंकित करके दुनिया की सबसे भारी पुस्तक बनाने के रूप में किया, एक बार बाबा साहब का हमने 125वां जन्मदिन मनाया, 125,000 लोगों ने एक साथ बैठ करके धम्म ग्रंथ को पढ़ा। सारी बातें तो मुझे भी याद नहीं आ रही क्योंकि याददाश्त थोड़ी कम हो गई। फिर भी इस बार जो 18 मार्च आ रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बार का 18 मार्च हम महिलाओं की आजादी को दोबारा से समर्पित करने के लिए मना रहे हैं। इस बार का कार्यक्रम महिलाओं की आजादी को समर्पित होगा और उसका थीम है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर कोई नोएडा में आकर के बाबा साहब मापने लग जाए कि समाज की प्रगति कैसी है तो फिर उन्हें 56 से पहले का ही समाज याद आएगा, क्योंकि घर तो सुंदर बन गए, जीवन सुंदर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि अब ये बात, ये बाबा साहब का सूत्र, समाज की प्रगति को मापने का पैमाना घर घर में जाना चाहिए, ताकि हम 18 मार्च को खड़े होकर के कह सके कि बाबा साहब मापो,
आज समाज की प्रगति को मापो। ये लाखों महिलाएं बता रही हैं कि आपके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके हम जीवन को सुंदर बना पा रही हैं, हम स्वतंत्र बना पा रही हैं। तो इस बार महिलाओं की आजादी को समर्पित यह कार्यक्रम होगा। मैं बाबा साहब की बात दोहरा रहा हूं। 1956 में बाबा साहब ने कहा था उसी आगरा की धरती पर कि हमें अपनी गुलामी की जो मानसिकता है इसको नकारना होगा। जिन परिस्थितियों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, गुलाम बनाया है, हमें उन परिस्थितियों को भी नकारना होगा और अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके हमें स्वतंत्र होना होगा। और ये बात बाबा साहब ने समाज के संदर्भ में कही थी। महिलाएं भी इसी समाज का हिस्सा हैं, कार्यक्रमों में वो आती तो हैं लेकिन वो कार्यक्रमों की आयोजक नहीं होती हैं। इस बार का 18 मार्च का कार्यक्रम हम महिलाओं को ही आयोजक बना करके बनाएंगे और उसकी शुरुआत के लिए बता रहा हूं 4 फरवरी को राजस्थान के अलवर जिले में महिला सम्मेलन आयोजित किया है। वो महिला सम्मेलन इसी तैयारी के लिए होगा कि 18 मार्च में हजारों महिलाएं वहां जा सके। और उसी कड़ी के तहत 7 फरवरी का दिन जो माता रमा का जन्मदिन है उसी दिन को आधार बना करके उपासी का मीना बौद्ध जी जो भी घोषणा करके गई है कोंडली के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सभी महिला समूहों के संयुक्त प्रयासों से वहां महिला सम्मेलन बौद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो मेरा आमंत्रण है आयोजक टीम की ओर से, आप सभी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको कुंडली वाले कार्यक्रम में जो 7 फरवरी को होना है उसमें जाने के लिए तैयार करें। एक बात का ध्यान रखना है, सभी महिलाएं श्वेत वस्त्र पहन करके आए, हो सके तो सफारी पहनो, ये सफारी बेचने वाले बैठे हैं, हो सके तो सूट पहनो, सूट बेचने वाले भी बैठे हैं, और मेरी बात नहीं मानो तो कुछ भी पहनो। मैंने दो ही बातें कही हैं, या तो सफारी पहनो या सूट पहनो, अगर मेरी बात ना माने तो जो आपकी मर्जी सो पहनो लेकिन सफेद पहनो। सफेद कपड़े पहन करके आना है और उपासक भी सफेद कपड़े पहन करके आए जब तक सर्दी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं सफेद कोट मिलते तो हैं लेकिन फरवरी के महीने में ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। सभी को सफेद कपड़े में आना है और इस बार हमारा प्रयास होगा कि 18 मार्च को 1,00,000 महिलाओं को हम आगरा के मैदान में आमंत्रण दें और सारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होगा। 1,000 से ज्यादा महिलाएं जो नेतृत्व को अपने हाथ में लेकर के इस प्रचार अभियान में उतरेंगी। सभी पुरुषों से अनुरोध है, आज तक के सारे कार्यक्रम आप लोग करते आए हैं और महिलाएं आपके साथ खड़ी हो जाती थी, इस बार थोड़ा गियर बदल देना, महिलाएं खड़ी हुई हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाना, क्योंकि समाज अकेली महिलाओं से अकेले पुरुषों से नहीं बनता है। और यह भी कह रहा हूं जो नेतृत्व करता हूं उनसे, उस कार्यक्रम में बिना चूड़ियों के आना, वरना लोग मुझे कहेंगे बंते जी झूठा आंदोलन चला रहे हो, कपड़ों के रंग बदलने से जीवन नहीं बदलते, गुलामी की बेड़ियां टूटने से जीवन बदलते हैं। मैं मीना बोध जी की टीम से भी कहना चाहूंगा, कौशाम्बी की टीम से भी कहना चाहूंगा, गाजियाबाद की प्रबुद्ध भीम महिला मंडल से भी कहना चाहूंगा, चेतना महिला भी एक समूह है, मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं। मेरा आमंत्रण सबको है, स्पष्ट है, मेरे से नाम की भी उम्मीद मत किया करो, ये मान लिया करो भंते जी ये भूल गए होंगे, लेकिन आमंत्रण स्पष्ट है। ये आमंत्रण आयोजन का नहीं है, ये आमंत्रण उस कार्यक्रम में भागीदार बनने का नहीं है,
ये आमंत्रण अपनी आजादी की आवाज को बुलंद करने का आमंत्रण है और ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।